कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि हम लोग नागेश्वर टेम्पल उसके बाद गए थे, तो हम लोग नागेश्वर टेम्पल आ गए हैं। ये द्वादश ज्योतिर्लिंग है और ये देखिए यहाँ पे शिव जी का बहुत बड़ा मूर्ति बना हुआ है। बहुत ही मंदिर जो है ना बहुत ही प्रसिद्ध है, यहाँ पे लोग आते ही आते हैं क्योंकि ज्योतिर्लिंग है, तो लोग ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए सब जगह जाते हैं। तो जब द्वारका आए हैं तो ये टेम्पल घूमना तो बहुत ज़रूरी है, नागेश्वर टेम्पल। तो हम लोग भी आ गए यहाँ से, फिर अंदर जाते हैं। यहाँ पे आज इस पर गाय है, गर्मियों के टाइम में थोड़े कबूतर रहते हैं और आप उस कबूतर को दाना दे सकते हो, गाय को चारा खिला सकते हो, दाना खिला सकते हो, सब मंदिर के प्रांगण के अंदर ही होता है, मतलब रहते हैं तो लोग खिलाते हैं। देखिए आप गाय माता को मैंने थोड़ा सा छुआ, थोड़ा सा सहलाया, थोड़ा प्यार किया, अच्छा लगता है। आप उसे खाना भी खिला सकते हो, वहाँ पे खाना बेचने के लिए बैठे रहते हैं जो भी खाते हैं, कबूतर सारे हैं उतने, तो उसके लिए भी दाना वगैरह भी रखते हैं। उसके बाद यहाँ से हम एंटर करेंगे, जूता चप्पल बाहर खोल कर, यहाँ पर लाइन लगना होता है। भीड़ थी एकादशी की वजह से, बहुत भीड़ थी और इस तरह हम लोग लाइन लगकर अंदर पहुँच गए। अंदर भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई थी, फिर हम लोग मेन द्वार शॉप के पास पहुँचे, अंदर ही है शॉप। वहाँ पे जो भी पूजा करवाते हैं वो सब ये थाली चढ़ाते हैं। इस थाली में देखिए नाग नागिन बने हुए हैं, गाय नंदी बने हुए हैं, शिव शिवलिंग के साथ सांप लपेटे हुए। ये सारे लोग जो हवन, मतलब क्या बोलते हैं, जो पूजा जो करवाते हैं मेन, उनके लिए वो अपना थाली है, किसी की मान्यता है जो मांग रखी हो किसी ने, तो वो सब ये थाली वगैरह चढ़ाते हैं। तो मैं अभी इस लाइन में लगी हुई थी, धीरे धीरे फिर पहुंच गई मेन मंदिर के पास। आप देखो, आप दर्शन कर लो यहाँ से नागेश्वर टेम्पल के ज्योतिर्लिंग का। देखिए लोग वहाँ भी थाली लेकर खड़े हैं पूजा करने के लिए, पंडित जी पूजा करवाते हैं, और जो थाली जो अंदर जाकर पूजा नहीं करना चाहते वो यहाँ से दर्शन करके साइड से निकल जाते हैं। मैं भी दर्शन करके साइड से निकल गई, फिर नंदी जी के कान में आकर कुछ कुछ बोला जो मुझे चाहिए था, फिर थोड़ी देर में से बैठे। घंटी पे ही ये माता का मूर्ति लगा हुआ है, तो त्रिशूल के साथ, तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी प्रसाद वगैरह लिए, फिर वहाँ से निकल गए। पीछे एक लेक सा बना हुआ है उधर देखा, फिर ये हवन कुंड है, वहाँ पे एक चक्कर लगाना कंपलसरी होता है, तो मैंने भी लगाया एक चक्कर वहाँ हवन कुंड के, एक राउंड लगाए और उसके बाद पंडित जी के पैर छुए, फिर वहाँ से निकल गए बाहर और जिधर मूर्ति थी वहाँ पे चले गए, और वहाँ पे हमने क्लिक कराए फ़ोटोज़, क्योंकि सब कोई कराते हैं तो मेन है। ये देखिए वहाँ पे कबूतर इस बार थोड़े से कम थे, जो कि शिव जी के गले में सांप के जगह सांप के ऊपर बैठे हुए थे, तो हम लोगों ने भी फ़ोटो यहाँ पे क्लिक कराया, फ़ोटो खींचा। उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि हमें जाना था बेट द्वारका और लेट हो रहा था, तो हम लोग यहाँ से निकले और सीधा गए ओखा जेट्टी। ओखा नाम से है ये जेट्टी पोर्ट बोलते हैं, जो जहाँ पर से हमें बोट लेनी होती है, तो हम लोग वहाँ गए। से बिल्कुल भी चलना नहीं चाह रहा था, इसलिए दोनों चाचू एक पापा दोनों साइड से हाथ पकड़े हुए थे, बोल रहे थे चलो अब तो चलना पड़ेगा, नहीं चल रहा था तो फिर उसे उठा कर चल दौड़ा कर ये लोग लेकर जा रहे थे। क्या हम लोग ऐसे इसी तरह करते हुए पहुँच गए ओखा जेट्टी पोर्ट पर। बहुत थी वहाँ पहुँचने के बाद, हमने पहले टिकट लिया, टिकट लेना बहुत ज़रूरी है, चढ़ने नहीं देंगे टिकट लेकर। फिर हम लोग आगे बढ़े, लाइन लगाया हम लोगों ने वहाँ, ये आप लाइन लगा कर वेट कर रहे थे बोट का, फिर बोट में चढ़ के फिर हम लोग निकल गए वहाँ से। 10 से 15 मिनट लगता है इस पार से उस पार जाने में। ये देखिए बोट किस तरह से चिपक चिपक कर वहाँ पोर्ट के किनारे पे जो रहते हैं, एक उतारता है तो दूसरा चढ़ाने के लिए रेडी रहता है। और ये जो चक्के लगे हुए ना, ये इसके लिए हैं कि दो बोट जो है ना आपस में सटते हैं बहुत, तो उससे भी बच जाए और बाकी सेफ्टी पर्पज़ के लिए भी है। तो हम लोग सब बोट में बैठ गए हैं, थोड़ा फ़ोटो क्लिक किया। गर्मी हो रही थी, गर्मी लग रही थी, पति देव का चेहरा देखिए गर्मी से परेशान, भैया का चेहरा देखिए सब गर्मी से परेशान।
मैं बेटा नींद में आ गया था, वो गर्मी लगी तो उसे सो गया वो गोद में बैठते के साथ ही। और यहाँ से आप समुद्र का नज़ारा देखिए, इंजॉय करिए, बहुत ही प्यारा लगता है। इस बोट में बैठकर बेट द्वारका जाने का जो रास्ता है ना, बहुत ही औसम है। आप लोग ज़रूर आओ यहाँ पे, और इस टाइम पे ठंड के टाइम में ही आना। ठंड के टाइम में क्या है ना, ये जो ऊपर पंछियाँ उड़ रही है ना, ये हंस है। ये आप हाथ में मूढ़ी ले लो, खाने की चीज़ें वो वहाँ पोर्ट के किनारे पे बेचते हैं, वो लेकर आओ। उसके बाद या तो आप उसे पानी में उछालो या फिर हाथ में लेके खड़े रहो, तो वो क्या है ना, वो खाने के लिए आ जाते हैं और पूरा जमावड़ा लग जाता है एकदम बोट के ऊपर में। वो बहुत ही सुहाना और सुंदर लगता है देखने में। आप देखो कितना अच्छा लग रहा है। बीच में भैया ने भी अपने हाथ पे मुड़े रखकर बुलाया, लेकिन शायद उन लोगों की पेट भरी हुई थी तो वो लोग आए नहीं, लेकिन ऊपर से गुजर रहे, उड़ रहे हैं, क्योंकि हम लोग थोड़ा शाम के टाइम में जा रहे हैं ना, तो दिन भर में वो कितने यात्री गए होंगे, सबने कुछ ना कुछ सब खिलाते रहते हैं, तो इन लोग का भी पेट छोटा सा ही तो होता है, भर जाता है। ये है नज़ारा जो लोग देखने के लिए आते हैं, जो लोग ये समुद्र में जो ट्रैवल कर रहे हैं बोट से, ये है मेन कि आप बोट में बैठकर जा रहे हो, ऊपर पंछियाँ उड़ रही है किनारे पे, इतने सारे बोट्स लगे हुए हैं बोट पे, बीच में साथ में आपके एक बोट के पीछे दूसरी बोट चल रही है। ये जो व्यू है ना, ये बहुत कम देखने को मिलता है द्वारका आने पे, ये तो दिखता है, या फिर आप किसी बोट के किनारे जाओ तभी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। बस हम लोग अब पहुंचने ही वाले हैं किनारे पे। ये जो आपको पुल दिखेगा ना, अभी ये पुल बन रहा है, ये लगभग कंप्लीट हो गया है। जब ये बन जाएगा ना, तो लोग बाय रोड सीधा वेट द्वारका जा सकते हैं। और ये जो बोट के लिए वेट करना पड़ता है ना बहुत देर, तो वो वेट नहीं करना पड़ेगा, लोग आराम से वेट द्वारका बाय रोड अपनी व्हीकल से पहुंच जाएंगे और दर्शन करके वापस आ जाएंगे। थोड़ी सी टाइम कम लगेगी, जो कि टाइम अभी लगता है, कम से कम 3 घंटे का समय लग जाता है बोट से इधर से जाना, फिर दर्शन करना, फिर वापस आना, तो 3 घंटा लेके चलिए तभी आप वेट द्वारका का दर्शन कर पाएंगे। तो हम लोग उतर कर आ गए हैं और हम लोग पहुँच गए हैं वेट द्वारका। अब यहाँ हम लोग जब मंदिर के पास पहुँचेंगे तो फिर कल आपको दिखाते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बने रहिए तब तक मेरे साथ और इन्जॉय करिए ये व्यू। ऑटो करना है तो बोलो, बेस्ट दर्शन ऑटो मिलेगा, चारों मंदिर का दर्शन आएगा।